तो हेलो बच्चों, नवाभा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में आज आपका स्वागत है। जितने भी झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं, कक्षा 9 और 11वीं के बच्चे हैं, उनके लिए आज बहुत बड़ी खबर आई हुई है। तो ये वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। और मैं बता दूं कि आपके जितने भी बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज होती है, देखिए बोर्ड आभा ये चैनल का नाम ही है, तो बोर्ड के रिलेटेड ही यहाँ पर वीडियोज बनती है। तो बोर्ड आभा और नवाभा दो चैनल हैं हमारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो दोनों को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में बेल घंटी जो होता है, घंटी का निशान, उसको जरूर से टच कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो आए आपके रिलेटेड तो उसको सबसे पहले आप देख लो। चलिए सीधे आपके विषय पर आते हैं और देखते हैं कि क्या आपकी अपडेट आई हुई है। तो देखिए यहाँ पे क्या अपडेट आया हुआ है कि देख सकते होंगे कि 9वीं और 11वीं का रजिस्ट्रेशन आज से आपका शुरू हो गया है। ठीक है, आज 7 अक्टूबर का बात किया जा रहा है, आज लेटेस्ट डेट है तो 9वीं और 11वीं क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, तो 11th और जो 9वीं क्लास के बच्चे हैं, झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। तो चलिए हम पढ़ के सुना देते हैं। ये रांची का ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, उसका कटिंग मैंने लिया है। देखिए, राज्य के सरकारी स्कूलों के 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन होगा, देख लीजिए यहाँ पे, बुधवार से शुरू होगा। बिना विलंब शुल्क के 4 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो ये डेट आपको माइंड पे रखनी है, ध्यान में रखना है कि 4 नवंबर आपका लास्ट डेट है और उसी के बीच आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जबकि 6 से 12 सितंबर तक विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप अगर 12 नवंबर तक भी आप भर सकते हैं, लेकिन वो आपको विलंब शुल्क के साथ करना होगा। तो ये वाला डेट अभी आप नहीं ध्यान में रखिए, आप चलिए कि आपका 4 नवंबर तक ही डेट है, ठीक है, लेकिन ऐसे तो 12 नवंबर तक आपका टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। इस पर जो रिपोर्ट थी, चलिए उस रिपोर्ट को पढ़ लेते हैं पूरा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी। 9वीं और 11वीं में रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्र छात्रा ही 2022 में मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है आपके एग्जाम के ध्यान में रखते हुए। देखिए कि 2022 में आप तभी एग्जाम में बैठ पाओगे, क्योंकि 9वीं और 11वीं एग्जाम तभी आप दे पाएंगे जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ छात्र छात्राओं को 9वीं और 11वीं की परीक्षा के लिए भी ऑनलाइन आवेदन शुल्क भरना पड़ेगा। ठीक है, आवेदन और शुल्क भरना होगा। तो सब चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 9वीं के रजिस्ट्रेशन पेपर के लिए 80 रुपये देख लीजिए, और 11वीं के लिए 90 रुपये यहाँ पे देना होगा। तो ये आपका एक बड़ी अपडेट आई हुई है, तो आप ये डेट माइंड पे रखें और अपने जो रेस्पेक्टिव जिस भी कॉलेज में हैं, जिस भी स्कूल में हैं आप 9वीं में, तो आप अपने स्कूल कॉलेज में जाएं और अपने शिक्षकों से बात करें इसके विषय पर और रजिस्ट्रेशन कर लें जल्दी से जल्दी। और मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि आप रजिस्ट्रेशन सही से करें, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं रजिस्ट्रेशन करते समय। चलिए एक और आर्टिकल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए एक और आर्टिकल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि कक्षा 9वीं व 11वीं का से फॉर्म पंजीयन फॉर्म जमा होगा। ये भी रांची का ही आर्टिकल है। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसको भी जानकारी आप ले लीजिए, पूरे अच्छे से जानकारी ले लीजिए। क्लास 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए पंजीयन व परीक्षा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया आपका, देखिए परीक्षा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू होगी। तो ये 7 अक्टूबर का डेट है आज का, और विद्यार्थी 7 अक्टूबर से 4 नवंबर, देखिए यहाँ पे भी डेट डाला हुआ है कि बिना विलंब शुल्क के साथ जमा कर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ 12 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। जैक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा भी फॉर्म सत्यापित करने की तिथि तय कर दी है। तो बिना विलंब शुल्क के फॉर्म को 8 अक्टूबर तक, मतलब कि आप करा पाएंगे, 8 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सत्यापित करा पाएंगे। विलंब शुल्क के साथ 13 तक सत्यापित करेंगे। फॉर्म जैक की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन आपका वेबसाइट पे जमा होगा फॉर्म। परीक्षार्थी वर्ष 2020 की बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए थे, वे भी ऑनलाइन फॉर्म भरा करेंगे। तो जो अनुत्तीर्ण हो गए थे, पिछले साल फेल हुए हैं, जो बच्चे जो नहीं पास कर पाए थे एग्जाम, वो भी भर लें इसको, और आपके लिए भी ये एक मौका है तो आप पास करने के लिए, तो आप भर के एग्जाम दें। वे भी ऑनलाइन फॉर्म जमा करेंगे। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म जमा करना, देखिए जो फेल हुए थे उनके लिए भी ये अनिवार्य है, अनिवार्य यहाँ पर लिख दिया है, तो आप इसको लाइटली ना ले। जितने मतलब बच्चे पिछले साल फेल हुए थे, अनुत्तीर्ण हुए थे, तो ध्यान देंगे, लेकिन फिर से पंजीयन फॉर्म नहीं जमा करना होगा। एक बार जो आपका पंजीयन फॉर्म जमा हो जाएगा, फिर सेकेंड बार आपको नया ही मौका मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही ध्यान से फॉर्म भरिएगा। यही रजिस्ट्रेशन आपका 10th 12th में जाता है, और मैट्रिक का ही जो आपका जो नाम रहता है, वो आपको पता होगा कि पूरे आपकी लाइफ एंड तक जितने भी फॉर्म भरोगे, उसी के नाम से सभी जगह फॉर्म भरी जाती है। तो ये वाला फॉर्म आपको बहुत ध्यान से भरना है। मैं शिक्षक होने के नाते आपको बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड कर रहा हूं और बहुत ही जरूरी बात बता दे रहा हूं। तो आपको नाम कभी भी गलत नहीं भरना है, डेट ऑफ बर्थ कभी गलत नहीं भरना है, नहीं तो आगे जाके आपको बहुत दिक्कत होगी। जहां से पहली बार बच्चों का पंजीयन हो रहा है, वहां उन्हें लॉग इन पासवर्ड नहीं मिला है। वैसे स्कूल कॉलेज के प्राचार्य अपने जिला के शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए लॉगिन और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। संबंध में विस्तृत जानकारी जो आपकी वेबसाइट है एकेडमिक काउंसिल की, जैक
www.jack.jharkhand.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी जानकारी निकल के आई है, तो आप इस पर ध्यान दें और अपना फॉर्म जरूर अच्छे से भरें और रजिस्ट्रेशन अच्छे से कर लें। और मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ाई पर अब विशेष ध्यान दें। आप देख पा रहे होंगे जब आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो इसी बीच आपका एग्ज़ाम का डेट भी आ जाएगा अगले महीने तक। तो आप ये मान के चलिए कि मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और उसी के अनुसार आप उसी तिथि को लेते के तैयारी कीजिए। और ज़रूर से अगर सिलेबस में लेकर आपको अगर चिंता हो रही है तो भी आप CBSE का ही सिलेबस से तैयारी कीजिए। मैं यही कर रहा हूँ, अभी भी जैक बोर्ड ने सिलेबस नहीं निकाला है। बहुत सारे बच्चे हमको डेली बोलते रहते हैं, हमेशा कमेंट्स में आते रहता है कि सर सिलेबस कब आएगा, सिलेबस कब आएगा। तो सिलेबस की आप चिंता भी मत कीजिए और तैयारी कीजिए आप अपना, और उस पर लगे रहिए। आपका एग्ज़ाम डेट पक्का लिया जाएगा मार्च में। आपका एग्ज़ाम मैं बता दे रहा हूँ कि गारंटेड है मार्च अप्रैल में। तो इससे ये मत लेके चलिए कि अप्रैल में होगा, आप यही समझिए कि फरवरी में एग्ज़ाम होगा। तो आप 3 महीने जो हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर जो है, ये सभी महीने आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए और एग्ज़ाम के लिए लग जाइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो बड़ी अपडेट आपसे छूट सकती है। तो नौ आभा और बोर्ड आभा को अभी वीडियो के अंत में जाकर जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं आपके, बहुत सारे टॉपिक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी मैं कवर करता हूँ, तो वो सारे वीडियोज़ भी आप देख लें जो आपको परीक्षा में ज़रूर से सहायता करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।